छोड़ो, जाने दो। अब वैसे भी मीठी मेरा ऊपर इंतजार कर रही होगी, अकेली है, उसी के पास चली जाती। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाँ कह के मैंने ठीक तो किया ना? ऑफ कोर्स ठीक किया। दिल तो ऐसे धड़क रहा है जैसे पता नहीं क्या बड़ा करने जा रहा हूं। शायद मैं आयशा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेट्स जस्ट गेट ओवर विद दिस। अभी तक आयशा मां पार्टू तो अभी तक आई नहीं, चलो मैं खुद जाके देख लेती हूँ। कहाँ गई आयशा मां पार्टू? सर, आपने आयशा जी को पार्टी से क्यों निकाल दिया था? क्या आप दोनों में समझौता हो गया? क्या आप दोनों के बीच में दोस्ती हो गई? कुछ बोलिए प्लीज। ये आयशा जी, आप मानते हैं कि आप पार्टी छोड़ के गई थी? बोलिए प्लीज, हैव अ सीट, वी विल गिव अ स्टेटमेंट। मुझे पता था आप आने वाले हो, मुझे आपकी बात याद आ रही थी। मिसी इधर आओ। अपने आप से कुछ नहीं कहते, इसके पीछे कुछ राज है। बोलिए। ये तो मानव सरीन की बेटी है, रघु जी को पापा क्यों बुला रही है? मिट्टी बेटा, बेटा आपको किसने कहा कि आपके पापा है? बताओ बेटा। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। इतने इनसेंसिटिव मत बनिए कि इंसान बने रहना भूल जाए। इसलिए मैं ये सब नहीं करता। ये लोग न्यूज बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड गो फॉर। वेल डन आयशा। आशा मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह हाँ। और रघु सर को मैंने बोल दिया। ऑलराइट, मैं आती हूँ। ये लड़की तो अंदर ही है ना? कहाँ चली गई आरती? तुम जितना चाहे मुझसे दूर रहने की कोशिश करो, तुम्हारे करीब आने का एक और तरीका मिल गया है मुझे। ये बच्चे भी बड़े कमाल की चीज होते हैं। मीठी, डॉल से खेल रहे हो? आपकी वो कहाँ है? आयशा मॉम पार्ट टू? मुझे नहीं पता। आपको पता है आयशा मॉम? ये मेरे पापा को दिया था आपके ऑफिस में रखने के लिए। So cute, बहुत सुंदर है, very sweet। और आपको पता है कि मैंने आपके पापा से बात की? कैसे? आप स्टार्स के थ्रू? आपको कैसे पता पापा स्टार्स के थ्रू बात करते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके पापा सिर्फ आपसे बात करते हैं? और पता आपके पापा ने मुझे क्या बताया कल? क्या? उन्होंने बताया कि वो मीठी से मिलने आ रहे हैं। ये! कब आएंगे? आ जाएंगे। तो बताया ही नहीं। क्योंकि आपके पापा आपको सरप्राइज जो देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें किसी और से नहीं मिलना, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी लुक बदल के आ रहे हैं। तो फिर मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? क्योंकि उन्होंने आपके पहचानने के लिए एक क्लू छोड़ा है। तो उन्होंने आपके लिए ये हिंट छोड़ा है कि वो आज ब्राउन कलर के कोट में और ब्लू कलर की टाई में आएंगे।
ब्राउन कलर की कोट में और ब्लू कलर की टाई में। हाँ, और आपकी आयशा मॉम के एकदम साथ में खड़े होंगे। तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। मैं पहचान लिया ब्लू टाई और ब्राउन कोट। आप ही मेरे पापा हो ना? I'm so sorry. पता नहीं कैसे मीठी कमरे से बाहर आ गई। मीठी चलो आओ। नहीं, मुझे पापा चाहिए। Sorry again. Actually वो आपको मैंने बताया था ना, कुछ ही समय पहले I lost my husband. और मीठी उनसे बहुत प्यार करती थी। मुझे तो पता भी नहीं कि उसे क्या बताऊं। मेरी तो हिम्मत नहीं होती है उसे कुछ भी कहने की। और इसमें बच्चे का कोई कसूर भी नहीं है, इसकी गलती नहीं है। मिथि चलेंगे? नहीं, मैं पापा के साथ ही आऊंगी। आपको पता है सी में ना बहुत सारी शिप्स होती हैं। उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। उन सबकी जिंदगी डेंजर में। हाँ, के कब कैसे? इसलिए क्योंकि आप जो इतने मोटे मोटे आंसू निकाल रहे हो उसे तूफान आ जाएगा, सब डूब जाएंगे। अब मैं नहीं रहूंगी। गुड गर्ल। स्टार्स में कैसा होता? स्टार्स में कुछ खास नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा शाइन करने वाला स्टार जो है ना, वहाँ है ही नहीं, वो तो यहाँ है। ऐसे ही आपको स्माइल करना है, रोते नहीं है। ओके गुड गर्ल, अब मैं जाऊं? आप नहीं जा सकते। आपको पता है मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे पता है भगवान जी आपको बहुत सारा काम देते हैं, लेकिन आपकी मीठे को भी तो आपकी जरूरत है। अच्छा, आप एक प्रॉमिस करोगे, कल आप मुझसे वापस मिल लाओगे? ओके, प्रॉमिस। पर आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? आप क्राई नहीं करोगे, वरना पता नहीं सी में क्या हो जाएगा। ओके, आप ख्याल रखिए इसका और अपना भी। बाय बाय। आई एम सॉरी रघु, पर तुमसे मुलाकात करने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। बच्ची का मन रखने के लिए कह तो दिया, लेकिन अब कल अगर वो नहीं आएंगे मिठी से मिलने तो? नहीं, वो आएंगे। आज मीडिया के सामने जो कुछ हुआ उसके बाद उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे। चिंता थी तो मिठी की, उसके दिल को ठेस न पहुंचे। कैसे सबसे बचाकर मिठी को अंदर ले गए? जज्बात की कद्र करना जानते हैं वो जरूर आएंगे। आरती दी? अरे आरती दी, आप यहाँ हैं? और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। क्या हुआ, बोलो। दी, मैंने इस फिल्म के लिए 3 बेस्ट होटल शॉर्टलिस्ट किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें और इन होटल्स को देख लें। और अब तो आप भी नवरंग का हिस्सा है, तो धीरे धीरे आपको भी नवरंग की चीजों के बारे में पता रहना चाहिए, राइट? मैं? हाँ। लेकिन मैं इस तरह बाहर आज तक कभी। अरे बाबा, पता है लोग आपको पहचान लेंगे ना। तो इसमें क्या हो गया? आपको क्या लगता है आयशा दी बाहर नहीं जाती होगी घर के? इनफैक्ट वो बड़ी हीरोइन है, तो क्या लोग उनको नहीं पहचानते होंगे? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा घर की चार दीवारी में ही रही हूँ ना। एकदम से बाहर लोगों के सामने मैं कभी, मुझे आता ही नहीं है लोगों के बीच में। वो 5-star होटल वगैरह मुझे नहीं होगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तुम जाकर देखा हो ना। मेरी प्यारी दी, जिस जिंदगी को याद करके आप उदास हो जाएं, उस जिंदगी को जीकर क्या फायदा है? अभी आप जो कर रही हैं सबके अच्छे के लिए कर रही हैं, वो पुरानी जिंदगी से तो अलग ही है ना। तो ये ज्यादा बेटर है या फिर पुरानी वाली जिंदगी? तो चलिए, ओके okay?